सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अब रायबरेली की जनता के नाम संदेश देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सोनिया गांधी ने अपनी इस भावुक चिट्ठी में रायबरेली के लोगों का दिल से आभार किया है। साथ ही सोनिया गांधी ने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इसके पीछे का कारण उन्होंने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को बताया है। हम सब की जनप्रिय सांसद और इस देश की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जितने जो पत्र अपने रायबरेली के परिजनों के लिए लिखा है, उस पर उन्होंने अपना स्पष्ट किया है कि रायबरेली का और गांधी परिवार का जो 5 पीढ़ियों का रिश्ता है 1952 से माननीय फिरोज गांधी जी से लेकर के और माननीय सोनिया गांधी जी तक रायबरेली के लोग उनको चुनते आ रहे हैं। भी पहले उसके इंदिरा गांधी जी को भी चुना और उसके बाद जो गांधी परिवार से जुड़े लोग थे उनको चुनते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हम सब के प्रति उन्होंने साधुवाद और धन्यवाद भी दिया और उन्होंने ये भरोसा किया है कि रायबरेली जिस तरह से 1952 से लेकर अब तक चट्टान की तरह खड़ी थी, आगे भी इसी तरह वो खड़ी रहेंगी। मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। मैं फिरोज गांधी कॉलेज में फिरोज गांधी की मूर्ति लगवाना चाहता था। सोनिया गांधी ने मुझसे नाराज होकर के कहा कि फिरोज गांधी की कोई मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। जो अपने ससुर की मूर्ति लगने नहीं देना चाहती और आज पत्र में फिरोज गांधी को अपना ससुर बताती हैं, तो अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी में उन्होंने रायबरेली के लोगों को अपना परिवार बताया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये स्नेह नाता बेहद पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बेहद गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना दिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इसी पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं ये कभी भूल नहीं सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे ये भी पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। जल्द मिलने का वादा, आपकी सोनिया गांधी। खैर, सोनिया गांधी के इस भावुक संदेश पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।